जिसको चाहते थे वही हमारे घर आ गया अभी बेबी। वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। जोरदार तालियां प्रियंका चोपड़ा के लिए। अब कपिल बस यही बचा था कि मैं तुम्हारे घर में आके क्या ब्रेक करूं, बस इतना ही बचा था। इतनी बार तुम्हारे घर आ चुकी हूं। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। डिड यू लाइक इट? गर्ल्स यू कैन लीव विद योर feathers because I have my own girl on the stage. So, thank you so much. Priyanka ji, आपका स्वागत है। Thank you जी। सोचते हैं तेरे पास आकर कैसे रोशन अपनी जात करें, चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, समझ में नहीं आता तुझको देखें कि तुझसे बात करें। आहा। एक तो मुझे नजर ही लग जाती, पता नहीं जहां पे मैं फ्लर्ट करना शुरू कर रहा, सिद्धू पाजी बराबर का करते हैं। अब क्या करें कपिल, तुम्हारी और सिद्धू पाजी की आदत है कि सबके लिए शेर बोलते हो, हम अकेले थोड़ी ना। नॉर्मल लाइन भी बोलती तो इतना मतलब प्यार उमड़ उमड़ कर निकलता है बाहर। सो प्रियंका दूसरी बार कॉमेडी नाइट्स में आई है और कैसे कैसे लोग बातें करते हैं प्रियंका, यू नो क्या क्या बोलते हैं हमारे बारे में। प्रियंका धड़ाधड़ फिल्में इसलिए बना रही है ताकि प्रमोशन के बहाने हमें मिलने का मौका मिले। अब कपिल जब सबको सच पता चल ही गया है तो छुपाने का क्या फायदा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, प्रियंका इज जस्ट किडिंग, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। या वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। और प्रियंका, आप गुंडे फिल्म में आप एक कैबरी डांसर का रोल कर रही हैं, तो उसके लिए आपने कोई खास तैयारी की? पुरानी फिल्मों में देखा आपने किसी? क्या लगता है मुझे तैयारी की जरूरत थी? ना ना ना, ये तो बिल्कुल सही कहा प्रियंका ने। कुछ चीजें ऐसी होती बचपन से ही तैयार होती है, मतलब भगवान ने तैयार करके भेजा है। भगवान ने मेरे को बोला था बेटा तू बड़ी होके कैबरे डांसर बने। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रियंका की जो फिल्म आ रही है गुंडे, इस फिल्म में प्रियंका के पीछे दो गुंडे पड़े हुए हैं जिनका नाम है विक्रम और बाला, यानी हमारे रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर। मतलब इससे मर्दांगी वाली एंट्री। भाई साहब, आपको हमारी गाड़ी की चाबी किसने दी? उतरिए जरा। कोई तो। ये गुंडागर्दी आपकी फिल्म में चलती होगी, ऐसे थोड़ी ना किसी की गाड़ी लेके जा सकते हो। हमारी गुंडे की। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का। फिल्म में ये दो गुंडे इस मासूम सी बच्ची के पीछे पड़े हुए, ध्यान से देखिए इनको। आपको क्या लगता है वो डबल सिम वाला चाइनीज मोबाइल है कि दोनों सिम एडजस्ट हो जाएंगे? बड़ी उम्मीद है। अर्जुन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर पहले भी शो में आ चुके हैं, प्रियंका भी आ चुकी। अच्छा, इस फिल्म में आपका जो ट्रैक है इसमें दो लड़के हैं और एक लड़की है, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब भी ऐसा त्रिकोण होता ना, प्रेम त्रिकोण, उसमें लड़की तो एक ही लड़के को लाइक करती है, दूसरे का टाइम वेस्ट होता है, तो इस फिल्म में आप दोनों में से किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? एक्चुअली कहानी थोड़ी उल्टी है। अच्छा, यहाँ पे प्रियंका और मैं झगड़ रहे हैं रणवीर के लिए। नहीं मेरा नहीं मुझे चाहिए। नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं, उसके बाल तो देखो, नहीं उसकी चाल तो देखो, उसके बाल तो देखो। कपिल, ये वैसी वाली फिल्म है। नॉटी। अच्छा, अभी मैं कमसिन कली कहाँ को चली, कमसिन बनो थोड़ी सी कली। हाय सिद्धू। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत मर्दानी फिल्म है हमारी। हम गुंडे, हमारे तेवर अलग है। जब पिछली बार रणवीर आया था ना तो पूरे रणवीर सिंह लग रहे, इस बार रोनी लग रहे, दाढ़ी कटा दी ना। ये रणवीर मेरा भाई इतनी बार शो में आ चुके ना, लोग अब पता क्या समझते हैं कि रणवीर काम कॉमेडी नाइट्स में करता है, बीच बीच में फिल्म करने जाता है। आपको पता पाजी अर्जुन के बारे में, ये एक फिल्मी फैमिली से हैं, इनके पापा बहुत बड़े प्रोड्यूसर और दलेर प्रोड्यूसर्स में से गिने जाते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब रूप की रानी चोरों को राजा आई तो उस टाइम की सबसे महंगी पिक्चर थी,
और इनके चाचा जी अनिल कपूर साहब, मतलब पूरी फैमिली जो है स्टार्स की है, लेकिन फिर भी लॉन्च आपको किसी और ने किया जी। तो क्या घर वाले रिस्क नहीं लेना चाहते थे? एक्चुअली क्या हुआ, सारे पैसे तो घर चौके रूप के रहने बनाने में, तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। खैर, रणवीर, प्रियंका, अर्जुन, ये पूरा जो आप जुलूस देख रहे हैं आगे बैठा हुआ है, ये सब आपके फैंस हैं और आपसे बड़ी सारी बातें करना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका अभी थोड़ी देर हमारे साथ है। प्रियंका को अभी जाना है। कहाँ जाना है? अक्सर मेरे दिल तोड़ के जा चली जाती है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है मैडम? दिल्ली। रुको ना मैडम। अरे एक सेकंड, ये तो दोस्त आना नहीं प्रिंस आना हो गया। जंगली बिल्ली गोइंग टू दिल्ली। जंगली बिल्ला स्टैंडिंग अलोन हियर। अच्छा, बिल्ला, इट्स गुड फॉर देम समटाइम्स। अच्छा बताओ ना प्रियंका, दिल्ली क्या करने जा रही हो? काम है मुझे, गुंडे का प्रमोशन कर रही हूँ। अच्छा, अरे इससे बेस्ट कौन सी जगह है बताओ उसे? दिल्ली सही सही से भी बताओ, सही में बताओ। कुछ छुपा तो नहीं हमसे? थोड़ा बहुत, लेकिन तब तो तुमसे हमेशा सब कुछ छुपाती हूँ मैं। थोड़ा बहुत काम है, बहुत काम है। शी इज वेरी पजेसिव अबाउट मी एक्चुअली। एनीवेज, यहाँ पे बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके खड़े हो जाइए। अरे वाह, जैसे हीरो आए तो खूबसूरत लड़कियां बड़ी खोती। मैं जब अकेला पूछता ना, मेरे टाइम पे अजीब अजीब अंकल आते हैं। हम घाट को ऊपर से आए, हमारा बैटरी का काम है ये जी। हाय कपिल, अर्जुन, रणवीर एंड प्रियंका। व्हाट्स योर गुड नेम? ब्यूटीफुल सलोनी। सॉरी, सलोनी जी। सलोनी, मेरा क्वेश्चन प्रियंका के लिए है। रणवीर और अर्जुन के बीच में ऑफ स्क्रीन गुंडा कौन था? गुंडा कौन था? एक्चुअली अर्जुन रिलेटिवली सीधा है कंपैरेटिवली। या अर्जुन ना थोड़ा वो साइलेंट बॉम की तरह है, साइलेंट एकदम। जब कभी कुछ बोलेगा नहीं, ही बी क्वाइट, ही इज ब्रूडिंग, लेकिन जब फटता है तो वोल्केनो की तरह। वोल्केनो पापा। जैसे अभी आपके लिए एक गाना सोचा है इन्होंने। इसकी टाई टाई फिश हो रही है। इसको डबल जप्पी दे देते हैं। आ जा। सलोनी, आती रहा करो शो में। प्रियंका तो कभी कभी आती है, हमें तो आप ही का सहारा है। आप क्या करती हैं सलोनी वैसे? मैं फैशन डिजाइन पढ़ रही हूँ। कब कंप्लीट कर रही हो अपनी फैशन? एक और साल बाद। एक और साल बाद भाई? क्या बाबा, वो गलत शो का नाम है भाई। वो बकरी है, उसके सींग पे हाथ मत फेरो, उसकी पूंछ खड़ी हो जाती है। ओके, थैंक यू सलोनी, कीप लविंग मी जी। और कोई हमारे दोस्त जी? हाँ जी, प्रियंका को अगर कुछ भी कहा तो आपको सीधी जेल करवाऊंगा मैं। हेलो मैम। हाय सर। ये शर्ट आपने बनवाई कि गिफ्ट रैप खोल के टैप सिलाया? अच्छा जी। हाँ मैं, आप रामलीला मूवी में आप रणवीर सिंह के साथ डांस किया ने कुछ, तो एक गुंडे फिल्म में एक जीआरएस सॉन्ग पे एक डांस डांस किए। अब डू डांस। हम जो रामलीला पिक्चर में सवाल क्या था आपका? रामलीला मूवी में सर अपना प्रियंका मैम ने और रणवीर सिंह ने उसको डांस कुछ किया ने, तो एक गुंडे फिल्म में एक सॉन्ग जिया में। जिया कोई डांस नहीं किया है जिया में। वो क्या चाहते हैं आप? स्लो मोशन में चढ़ के दीवार विवार चेक कर रहा था मैं। हाँ चलेगा सर, अभी भी करके दिखो ना। अच्छा करके, टॉम क्रूज, तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती जा रही है। इतनी हिम्मत तो मेरी नहीं कभी भी। प्रियंका को बोली, प्रियंका डांस दिखाओ, खुद ही बोल रहे आपने डांस किया है तो इधर भी करने का ना। चलो आपने इतने प्यार से मांगा तो हम कर ही देते हैं। हमारी एक फिल्म का गाना है, आपको भी करना पड़ेगा। वन और मैम, तो हमारी फिल्म के कैरेक्टर लगते।
आपका दिल को तसल्ली हुई आपके? शुक्रिया ब्रदर. क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ. किस चीज की स्टडी करते हैं? एफ आई बी कॉम. फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर. तो फिर क्या करेंगे आप? पढ़े करेंगे आगे. और भी पढ़ना है? हाँ, पढ़ना है. करना क्या, साबित क्या करना चाहते हैं आप? बस डिग्री कंप्लीट करनी है. डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद बॉडी कंप्लीट कब करनी है? बॉडी अभी डिग्री कंप्लीट खत्म होने के बाद. चलो ब्रदर, विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर. शुक्रिया जी. मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रियंका आजकल फुल कैबरे डांसर के मोड में है. अगर आप भी प्रियंका का कैबरे डांस देखना चाहते हैं तो आप 14 बताओ ना बेबी, कब आ रही फिल्म? 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मेरे साथ बिताइए. आके हमको भी देख के जाइए वैसे. चलिए प्रियंका, आपको आपकी आने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. एक बार जोरदार तालियां गुंडे के लिए, प्रियंका के लिए, रणवीर के लिए और अर्जुन कपूर के लिए. थैंक यू प्रियंका. थैंक यू. एंड कीप मिसिंग मी. ऑलवेज कपूर. बाबा, रॉन्ग नंबर. कोई पागल किडनैप करके ले गया प्रियंका चोपड़ा को. सिद्धू भाई, चाबी लगा के घर ले जाने को भेज दो. यार दिल नहीं लग रहा यार. हमारा भी. चलो कोई बात नहीं, अब हमारे दोनों दोस्त बचे हैं, जम के मस्ती करेंगे हम लोग. रणवीर, अर्जुन प्लीज आप बैठ जाइए, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं अभी. पिट्टू! पिट्टू! जिसे ढूंढते थे हम मोहल्ले मोहल्ले, वो हमारे घर के सोफे पर बैठे हुए मिले. सुनिए गाइस, जब आपको पता था कि 22-year-old हॉट सेक्सी ग्लैमरस लड़की आपकी वेट कर रही है, तो उस प्रियंका चोपड़ा को लाने की क्या जरूरत थी? 22 हॉट सेक्सी है किधर? लुक एट मी, सी. एनीवेज, छोड़िए इस बात को. आप दोनों गाइस इधर आइए. आर यू रेडी? सुनिए बुआ जी, कम हेयर प्लीज, कम हेयर प्लीज. सुनिए, आप हैं दोनों गुंडे, इसकी तरफ तो आप देखिए मत, हैं निग्लेक्टेड. ऐसा करिए, आप दोनों ना फाइट कीजिए, जो भी लकी विनर होगा ना उसके साथ मैं डेट पर जाऊंगी. ऐसा लगनी चाहिए. देखो सारे मान रहे हैं. बुआ आप वारी जाओ, आप सदके जाओ, लेकिन जाओ जरूर. बाबा मैं. सुनिए आप मान गए? लड़ रहे हो ना? मैं बाबा, मैं मेरे साथ डेट पे जाने के लिए मरे जा रहे हैं. मैं एक सेकंड आंटी, हम प्रियंका चोपड़ा के लिए लड़ रहे हैं. मैं क्या बात करी, वाओ. ओके, आई एम गोइंग. लेके जाने में नाराज होगी बुआ. अब आप मुझे मत रोकिए. बाबा बड़ा तू है, पहले तू लेके जा. अगर आप रुके ना. पिंकी जी, हमारी देसी लैंग्वेज में पिंकी को पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
गुलाब। देखा, डर गए, मान गए। आप सुनिए सुनिए। गुलाबो जी आपसे जरूरी काम है। हाय प्लीज बताइए ना काम। एक थोड़ी बात करनी है आपसे। दो दो बातें कीजिए। मैं अभी आया है पाजी। गुलाबो जी फूफा मिल गया। गुलाबो जी जी। लेडीज फर्स्ट। ओके लोग देख रहे हैं ना। आये शर्म आती है मुझे। वेरी गुड बहुत अच्छे। रणवीर अर्जुन मोस्टली देखा जाता है कि फिल्म में हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री को लेके बातें होती हैं, लेकिन इनके जो चर्चे हैं इनकी आपस की केमिस्ट्री को लेके बातें हो रही हैं। सो अपने बारे में कुछ बताइए कि आप दोनों का रोल कैसा है, किस तरीके के गुंडे बने हुए हैं और आपस में आपकी केमिस्ट्री कैसी है? ये है विक्रम, मैं हूं बाला। अब बाला और विक्रम अलग अलग नहीं बात की जा सकती। वी आर टुगेदर, वी आर वन यूनिट। दो दिन एक जान। मतलब आप अगर सीरियसली बात करें तो 70 और 80 के दशक की टाइम फ्रेम की पिक्चर है, जहाँ पे जब वॉर हुई थी और बांग्लादेश बना था जी। तब कई सारे रेफ्यूजीज इस तरफ हिंदुस्तान की तरफ आ गए थे और अनफॉर्चुनेटली सिस्टम उनकी मदद नहीं कर पाया था क्योंकि इतने सारे थे। उन रेफ्यूजीज में से विक्रम और बाला भी उसी समय रेफ्यूजी कैंप्स में थे। सिस्टम से उन्हें उनका हक नहीं मिलता, उनका वजूद नहीं पा सकते, तो वो उन्हें उनका हक छीनना पड़ता है और अपने वजूद को पाने के लिए वो एक ऐसी जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ पे उन्हें गलत काम करने शुरू करने पड़ते हैं। कोयले की चोरी करते हैं और धीरे धीरे कैसे धंधा बढ़ता है उनका और वो कुछ समय बाद कलकत्ता के सबसे बड़े गुंडे बन जाते हैं। ओके क्योंकि एक दूसरे के ये कुछ अलग ही पिक्चर कर रहे हैं अलग साइड में। बट हाँ, तो वहां से दैट इज व्हाट विक्रम एंड बालाज जर्नी इज। तो इसीलिए दो दिल एक जान और इसीलिए जाहिर बात है कि हमको प्यार भी एक ही लड़की से होता है ना। तो मेरे बाबा की कुछ पोल खोलने वाले। बहुत लंबी जर्नी रही है। जाहिर बात है पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे प्रियंका चोपड़ा जी के सेट पे और उनके वैन के बाहर जाके बोलते थे मैडम शॉट रेडी। अब गुंडे फिल्म में इन द कैपेसिटी ऑफ हर लीडिंग मैन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब आप कैसे खोलते हैं प्रियंका की वैनिटी? कट टू सरका 2013। मैडम शॉट रेडी। और आपकी पहली फिल्म हमने देखी है, ये नहीं कि आप सामने खड़े हैं, लेकिन आपकी पहली फिल्म में आपको देख के ये लगा नहीं कि ये नया एक्टर है। आप बाक कमाल एक्टिंग की आपने, बहुत बहुत मुबारक आपको। और हमारे साथ अभी हमारी इंडस्ट्री के बड़े ही दो टैलेंटेड एक्टर्स मौजूद हैं जिनके साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे। प्लीज हैव ए सीट। की बात कर रहे थे। मेरी किस्मत ही खराब है, लोगों की दादी आती कोई मंदिर से आ रही कोई मेरी तरीका कोई आने का तुम्हारा तुम्हारी दादी वाली। वैसे वो प्रियंका कहाँ है? प्रियंका चली गई तुम्हारे घर से। चली गई? यही हरकत करती हो तुम। चलो अच्छा है, वैसे भी एक मियान में दो तलवार रह ही नहीं सकते ना सिद्धू जी। खास तौर पे जब सामने वाला तलवार जो है वो एंटिक पीस हो। एक तलवार मार्केट वाली नहीं नहीं और दूसरी टीपू सुल्तान की। लेकिन क्या ना 60-70s की बात करो तो एक्चुअली यू नो बच्चों वो मेरा दौर था। अच्छा? उन दिनों है ना लोग मुझे शर्मिला टैगोर कहते थे। हाँ बताती हूँ। शुरू शुरू में क्या है ना, शुरू के 10 साल तो ऋषि कपूर लगती थी मैं। फिर अचानक देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज, वुमन इन मी ग्रू। ओह वाओ वाओ।
लड़के पागल होते थे मेरे पीछे ताड़ू ऐसी क्या देखता है उनका तो कब से लहू मुंह लग चुका है ना उनका तो आऊंगी आऊंगी दादी पहली बार आए शगुन दे दो सबको मिलेगा सबको मिलेगा क्या एक ख्वाहिश तो पूरी कर दे फिर पता नहीं कब मिलेगा क्या करना चाहती हो कोई भी रोमांटिक सीन देखो अर्जुन रणवीर ये है मेरी दादी ढीठ है हटेगी तो है नहीं हाँ. एक इनके साथ ऐसे सीन कर लो कुछ प्लीज अभी तैयार होके आइए कम ऑन यू फटाफट प्रोवाइड सम स्क्रीन प्ले देखो दादी तू तो हीरोइन बनेगी मैं तेरे हिसाब से हाँ माँ का रोल तो तुम पे सूट नहीं करेगा बिल्कुल नहीं तो तुम्हारा हीरो है अर्जुन यू आर वेरी लकी चल कहाँ सीन करते हैं वेट ना अभी अभी तुमने लेके आओ मिलवाने हमसे ठीक है और ये कौन है ये पिताजी हैं तुम्हारे ये मेरे पिताजी हाँ लकी आप माँ माताजी चल चल अर्जुन चल बकरी के पीछे से पहले बकरी को हिलाएंगे अच्छा पिताजी माताजी हु इज पिताजी हु इज माताजी कंफ्यूजन मैं पुरानी फिल्मों की अंधी माँ हाँ अंधी माँ वो अंधी माँ कौन है माँ हाँ बोल बुढ़िया भाग्यवान माँ देखो तो कौन आया है कैसे देखो जब दिखता नहीं तो कहाँ से देखो कौन है माँ कौन है माँ तेरा होने वाला दामाद आया है आए अभी तक हुआ नहीं नहीं ये तो हो गए लेकिन दामाद नहीं हुआ है अच्छा दामाद ऐसे कैसे हुए ए सुनो जी ए बिटिया के पापा हाँ। ऐसे कैसे ले आई दामाद हमसे तो पूछा भी नहीं अब बोलो बात क्यों नहीं कर रहे ये तरफ है हाँ पूछते हैं पूछते हैं पता चला लड़का करता क्या है ओए भगवान रिलैक्स पांव छू ना तुम क्यों इतना छू रही हो छुपो 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 ए छू छू मां के अरे कुत्ता थोड़ी ना शादी करना है शांत शांत ए आ जाओ वापस आ जाओ कुत्ते कमीने सॉरी पापा जी ये कौन कमाल है आते ससुर के साथ फ्रैंक हो रहा है ये बता मारी बेटी के साथ तेरा क्या इरादा है जो इरादा तुम्हारा मेरे साथ था उनके क्या पूछ रहे हो उतने इरादे बड़े लेख थे तुम्हारे अरे भाई दाम दाम पूछो लड़का करता क्या हमारी लड़की तो कुछ करती नहीं मोहल्ले वाले कहते भी कमाल करती है हमें तो पता नहीं कमाल है ए सुनना हाँ हाँ जी 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 ए, लड़का तो तू ले आई तो लड़का करता क्या है तेरे को खिलाएगा क्या सॉरी थोड़ी टची हो रही साथ ही मैं शुरू से टची है बेटा ये तो हुई थी ना तो डॉक्टर को ही टची हो गई थी ये तो ये पहले टची थी अब टुची हो गई है सच्ची मुची बेटिया भाई सुनो भाई लड़के के पास कार वार है नहीं नहीं है वाह हमें अच्छी भी नहीं लगती आपके वैसे अब देख बेटा मेरे को तो दिखता नहीं मेरे को तो चाहे लूना में बैठा के ले जाए मेरे को कहां तो पता चला कार पे जाने की मोपेड पे जाने बिल्कुल तो ऐसे पैदल ले जाते कभी कभी मेरे को कहते हम जहाज में जाने में मान जाती हूँ इस उम्र में आप कहां जाओगी अच्छा बेटा बात बताओ हनीमून पे कहां लेके जाओगे हमारी बेटी को कलकत्ता दो टिकट हमारे भी करवा देना अब आप कलकत्ता जाओ घर पर क्या दिखाई देगा आपको है ये भी बात सही है हाँ। ये तो मुझे कहीं नहीं लेके गए थे घुमा के पिछली गली में ले गए बोलते स्विट्जरलैंड आके मैं मान गई अब बोलते मतलब... क्यों नहीं कुछ तो बोलो लड़की का मामला है हाथ पीले करने इसके आप भी तो कुछ पूछो एक काम करते मुझे ये लड़का नहीं पसंद अरे क्यों मुझे वो चाहिए वो वाला ज्यादा अच्छा है ये वाला हाँ बेटा तू एक्सचेंज करेगी तो मेरा करेक्टर खराब होता ना तुम्हें मैं आप आओ ना आप लो आप बैठो आप बैठ जाओ आप उठ जाओ बड़ी दल बदलू है ये दल ये आप... मेरी दादी ना इसने बहाने से रोमांटिक डांस करना होता है हर हीरो के साथ अभी अर्जुन हाथ में नहीं आया तो अभी देख अभी कैरेक्टराइजेशन चेंज कर दी अरे तुझे शर्म नहीं आती करना क्या चाहती तू मैं
कोई अच्छा सा सीन करा दो, अभी सीन तो हो गया, कोई रोमांटिक नंबर कर ले। एक अच्छा सीन कराता हूं। कर कर रणवीर ट्रक लेके आ रहा है, तुम नीचे आ जाती हो तो तुम्हारी डेथ हो जाती है। रणवीर इनकी बातों में मत आओ, तुम खुद इधर आओ। राम नाम सत्य। पहले से तुम दोनों पे डाउट था। जब देखो जुड़े रहते हो। ये क्या? तेरे को शर्म नहीं आती इस उम्र में? ये क्या कर रही है? अक्ल मौत है कि नहीं तेरे को? मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मैं चलती हूँ अंदर। ना मत कहना, बहुत पछताएगा। हल्की सी है, ले ले। दादी शगुन, एक बात बता, ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहा है जैसे इसको नहीं चाहिए। पिछले टाइम आया था जंगल था, आज मुन्ना क्या है? अच्छा अच्छा हल्की सी, अच्छा वो वहां से ताड़ रहा है। वेट, लेट मी सेटिस्फाई हिम। अच्छा अच्छा, बहुत ही बरकती पप्पी है। छप गया। अब मैं भी तो रिटर्न करूंगा। रणवीर भाई, वो जो आपने बुआ को बताया था ना एक प्रपोजल फिल्म का, वो दादी को भी बता के आओ जरा। कौन सा? वो जो नहीं, मैं खुद जाऊंगी अभी। जिया जिया मिल गया जिया। खैर अभी मैंने ये डंडा हाथ में रखना, कोई आए सही मेरी फैमिली से। एक आप उस तरफ लेके बैठ जाओ, मैं इस तरफ। जो आया टांगों पे मारना, कोई लिहाज नहीं करना। एक आप भी रख लो, कोई आए। अच्छा मोटा वाला रखा है, ठीक है। दादी ने पप्पियां ले ले, लड़के दोनों पागल कर दिए। अभी आई विल मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सिवाय आपके फैंस के। आपके फैंस यहाँ पे भरे पड़े हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। जी आप एक एक करके अर्जुन और रणवीर से अपने सवाल कर सकते हैं। हाय सर। हाय। आपकी फिल्म में मैंने देखा है कि आप एक ही लड़की से प्यार करते हो, अगर आपकी रियल लाइफ में भी एक ही लड़की से प्यार होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे? ये तो है ही पहले से इश्क, ज्यादा इसे इश्क जब होता है तब होता है बहुत ज्यादा। खैर मेरी बात तो और है, ये तो इश्क का इंतजार नहीं करते, सीधा ले आते हैं उनके घर पे ना बैंड बाजा और बारात। तो इश्क मैं कर लूंगा, शादी ये कर लेंगे जिस रेट पे हम दोनों जा रहे हैं पहली पिक्चर के हिसाब से। मैं भारत में आ जाऊंगा। देखो फ्री में, फ्री में। सर बताइए ना। क्या बताएं? बोलता है कि रियल लाइफ में अगर आपको एक ही लड़की से प्यार हो जाए तो आप क्या करेंगे? यार पहले तो लड़की से पूछ ले वो किससे प्यार करती है, पता लगे हम लड़ रहे कोई तीसरा आके ले जाए तो। जैसे कपिल, कपिल सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके दोस्त को और आपको एक ही लड़की से प्यार हुआ हो? नहीं सर, नहीं हुआ। क्योंकि कोई लड़की हमें प्यार ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है? आप काम क्या करते हैं भाई साहब? काम नहीं करते। काम नहीं करते? स्टूडेंट हूँ। काम नहीं करते तभी तो अजीब अजीब सवाल आते हैं। आप दोनों एक ही लड़की से प्यार क्या करेंगे? मैं आपके लिए एक काम, मैं नौकरी ढूंढ देता हूँ। जुहू पे जाना है आपको, 5 लाख रुपया महीना है। समंदर से जो पानी बाहर आता ना वाइपर से अंदर करना है आपने। या फिर जितने ये बाहर बेचारे आवारा कुत्ते घूमते ना, इनको कच्चे पहनाने का काम। पर कुत्ता 100 रुपया, उससे क्या होगा कि पता नहीं क्या होगा, पर ठीक है मजेदार काम है। भाई देखो,
जैसा आपने सवाल पूछ लिया मैंने भी आगे वैसी बातें कर ली. खैर एनीवेज थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त जो अच्छा सवाल पूछना चाहते हो कोई? जी मैडम. हाय कपिल. हाय अर्जुन. हाय रणवीर. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रणवीर. आई हर्ड यू रैप रियली वेल. कुछ रैप कर सकते हो आप? प्लीज. मेरी कहानी में ये कैसा मोड़ आया? चौथी ही पिक्चर में 100 करोड़ कमाया. आई स्पीक द ट्रूथ मैन. आई एम ट्राइंग टू बी काकी बाय ओरिजिनल पायरेसी की पाकी. मेरी जो पॉलिसी है उर्वशी टेक इट इजी. कभी कभी कर लेता हूँ मैं बदतमीजी. गुंडा हूँ मेरे तेवर है कुछ ऐसे. टीवी वालों मेरे घर पे पहुंचा देना पैसे. देखा आपका काम मैंने निकलवाया. थैंक यू. थैंक यू दीदी. और कोई हमारे दोस्त? अर्जुन आई लव यू अ लॉट. यू आर द बेस्ट. थैंक यू. बिकॉज़ ऑफ द रैप? नो जनरली आल्सो. ओह थैंक यू सो मच. हाउ स्वीट. हाउ स्वीट. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. और कोई हमारे दोस्त? जी सर प्लीज. हाय कपिल जी. हाय रणवीर जी. हाय अर्जुन जी. हाय. हाय. गौतम काला. इनका नाम में ऐसे पॉज क्यों? मेरा नाम स्लो क्यों हो यार? लंबा था नाम. क्यों मेरा नाम याद नहीं आ रहा था आपको? हाँ. जी गौतम जी क्या सवाल है आपका? सबसे पहले आपका जो गुंडा पिक्चर रिलीज हो रहा है गुंडा उसके लिए... गुंडे गुंडे सॉरी सर. ये अच्छा है. पहले मेरा नाम याद नहीं. अब सोलो पिक्चर बनाई थी रणबीर की. गुंडा पिक्चर. गुंडे पिक्चर रिलीज हो रहा है. शो में आयो कहीं? इतने सारे बिग बॉस में आए. नो सर. शो का नाम क्या है जिसमें आप आए हो? कॉमेडी नाइट्स विद कपिल. उसको कौन भूल सकता है सर. भाई तू जितना मर्जी हमें ऐसे बोल दे जो तेरे साथ होने वाला होने वाला है. नहीं मजाक कर रहा हूं. गौतम जी. गौतम आपका क्या सवाल? आपका पिक्चर गुंडे रिलीज हो रहा है उसके लिए आपको वेल विशेस. थैंक यू. उसमें आपको कैसे पता कि गुंडे रिलीज हो रहा है कि रिलीज हो रही है? सर ट्रेलर देखा है इसलिए. रिलीज हो रहा है. फिल्म होता है कि फिल्म होती है? एक बात बताओ मेरे को सर. मर्दानी फिल्म है यार. होता है. बताइए कैसे डिसाइड किया आपने जेंडर? ग्रामर से. अच्छा. यस. फिल्म आ रहा है मतलब आप पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा आपका फिल्म आ रहा है. ज्यादातर लोग बोलते हैं आपकी फिल्म आ रही है. सर आपका दो डायलॉग या एक डायलॉग है. अच्छा. दो जिस्म एक जान. वो दोस्ती को देख के मेरी दोस्ती याद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ. तो मैं एक घंटे वाले सॉन्ग में नाचना चाहता हूँ. नहीं बेशक. लेकिन इस बार फिर गलत. तो एक वो घंटी था तो घंटा कर दिया उसका. सर नर्वस हो रहा है. भाई घर में पापा को तो नहीं मम्मी नहीं बोलते? नहीं सर. हाँ ऐसे मत किया करो यार बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है. बजा ले घंटा. आइए आइए देख लेते अभी. प्लीज वेलकम. आगे से मुझे भी कभी घंटी बजानी है ना मैं भी ऐसे बजाऊंगा. मतलब अलग लेवल की कोरियोग्राफी है बॉस. हमको लगता था हम रायता फैलाते. आप तो छा गए यार. गाला आपने तो पकौड़ियों वाला रायता फैलाया. क्या करते हैं गौतम आप? सर स्टडी करता हूँ सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग. इंजीनियर बनेंगे आप? नहीं सर. नहीं.
चपके डसा है तो व्हाट डू वी डू क्या मुकर गया तुझे देख के मुकर गया वो तो इंजीनियरिंग करके क्या बनेंगे नर्स बनेंगे नहीं सर माँ क्यों रहे हैं अभी अभी एंगेजमेंट हुई है नहीं सर एंगेजमेंट नहीं हुआ है सर इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो इंजीनियर ही बनेगा वहाँ क्या बनेगा नहीं नहीं कोई पता नहीं होता पाजी जैसे ये फिल्म आ रहा है फलानी चला गया है इनका कोई पता नहीं क्या बनना चाहते हैं फिर अगर इंजीनियर नहीं बनना तो सर इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूंगा फिर एमबीए करूंगा फिर क्या बनेंगे फिर बिजनेस लगाऊंगा कोई अच्छा इंजीनियरिंग करके फिर एमबीए करेंगे फिर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस किस चीज का कर सस्ते इंजीनियर ला के महंगे बेचा करेंगे क्या करेंगे नहीं सर नहीं चलो थैंक यू ब्रदर बैठ जाइए गुड लक फॉर योर फ्यूचर थैंक यू जी और कोई हमारे दोस्त आइए सर पता नहीं क्यों लग रहा बड़ा सीरियस सवाल पूछने वाले हैं आप कि देश की महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर हाय कपिल हेलो सर हाय रणवीर हाय अर्जुन कपूर हाउ आर यू सर हम लोग आपके चाचा जी अनिल कपूर जी के बहुत बड़े फैन हैं जी मैं भी हूं मैं भी हूं सारे जी मैं भी हूं झकास तू भी है तू भी है जी सर पूछिए सॉरी सर उन्होंने जो तेजाब फिल्म में मोहनी मोहनी के साथ डांस किया था गाने पे क्या आप वैसा डांस कर सकते हैं मोहिनी होनी चाहिए ना साथ एक दो तीन नहीं नहीं तू मोहिनी डांस कर ये बोल रहे हैं आप कह रहे हो कि ना नहीं नहीं मोहिनी बड़ा शरारती है प्लीज डोंट ट्विस्ट द क्वेश्चन बाबा एक दो तीन चार अच्छा यही गाने की ओपनिंग लाइनें कर देती हैं हैं हम गा के मतलब तुम गा लो नमस्कार और क्राउड में पिए हुए 2-3 हजार बंदे नमस्कार नमस्कार कहिए क्या सुनेंगे आप अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप मैं कर रही थी किसी का इंतजार कौन है वो वो जिससे मैं करती हूँ प्यार प्यार हाय हाय और करती हूँ मिन्नतें बार बार कैसे You want Gangnam style only? Gangnam style actually originally Madhuri ji ne kiya tha. Nahi. Doctor saab aap karte kya hai? Sir, mera mere ko pata nahi aise kyun lag raha hai aap jaise aap doctor hai. Aap waise kya hai sir? Kya kaam karte hai? Mera business hai sir, cement ka business hai. अच्छा जी और मेरा नाम नटवर लाल अग्रवाल है अरे वाह नटवर लाल सर नाम भी आपका फिल्मी अच्छा नाम है सर नटवर लाल अग्रवाल अर्जुन कपूर जी जिस प्रकार से आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन है उसी प्रकार से मेरा लड़का मेरे साथ आया हुआ है आज इसका जन्मदिन भी है और ये सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है सर हैप्पी बर्थडे ब्रदर क्या नाम है आपका सिद्धार्थ आपने एक शो पे बोला था ना कि सबकी शान सबकी बान सबका एक भाईजान क्या आप दोबारा बोल सकते हैं वो सबकी आन सबकी शान सबका एक भाईजान थैंक यू मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका इतना बड़ा बेटा होगा हाउ ओल्ड यू आर ऐसा ही होता सर मेरी त्वचा देखकर मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता नटखट नटवर लाल सर मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन हैं ये अपनी ट्रेन की टिकट 2 दिन कैंसिल करा के आपका शो देखने के लिए आया थैंक यू सो मच शुक्रिया सर सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे मैं कहता हूँ मिलते रहे ना तो ही शायद जिंदा रहेंगे अरे वाह वाह क्या बात है सर मैं कहना चाहूंगा जो आपसे कह रहा था बोल दूं जो कह रहा था जो आपने बात कही मैंने एक एपिसोड देखा था शेखर सुमन जी आए हुए थे और यहाँ पे एक देयर वाज अ वुमन हु सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर वो आई हुई थी और जो आपने बात कही कि ये जितना हंसाते हैं लोगों को खुश करते हैं हौसला अफजाई करते हैं लोग घर से बाहर नहीं जा पाते जब बीमार होते हैं अनफॉर्चुनेटली एज एक्टर्स वी वुड लाइक टू एंटरटेन एज मेनी पीपल एज पॉसिबल लेकिन कई बार थिएटर में नहीं आ सकते इट्स ग्रेट कि कपिल इज एबल टू गिव सो मेनी पीपल दैट हैप्पीनेस बिकॉज मुझे पता है कैंसर कैसी डिजीज है आई लॉस्ट माई मदर टू कैंसर
और मैं जानता था वो हमेशा टीवी देख के हंसती थी, खुश रहती थी. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम. हम रियलाइज नहीं करते टीवी इतना अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, लोगों से मिलने का, लोगों को समझाने का हम कैसे हैं, क्या है. आई जस्ट वांट टू टेक द स्मॉल अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू टू हिम एंड हिज होल टीम फॉर पुटिंग अप एन एपिसोड, पुटिंग अप द शो. एक आर्टिस्ट सिर्फ उसी के लिए काम करता है कि आपको प्रशंसा मिले, और जब लोग आके ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर गेटिंग दैट लव. थैंक यू. प्लीज कीप एंटरटेनिंग. थैंक यू अर्जुन. ये अर्जुन ने सही बात कही कि पैसा फेम मिल ही जाता है, लेकिन जब लोगों की दुआएं मिलती हैं तब जाके एक रूह को शांति मिलती है. और मैं समझ सकता हूं अर्जुन, बिकॉज आज अर्जुन जिस मुकाम पे हैं, आज एक स्टार है, और कहीं ना कहीं आपके मन में होता होगा कि यार, बिकॉज इनकी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले मेरे ख्याल से मम्मी का देहांत हो गया था. बट खैर, वो जहां कहीं भी हैं वो आपको देख रही हैं और वो बड़ी खुश हैं. जोरदार तालियां एक बार. और मैं गारंटी देता हूं, अगर वो जिंदा होती ना तो आपका शो हर रोज देखती. हर रोज देखती वो आपका. अंकल 14 फरवरी को गुंडे प्लीज देखना. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जी? अरे वाह, ये क्या किया आपने? क्या 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 बताओ, दोबारा करो जरा. बेस्ट फ्रेंड है. बेस्ट फ्रेंड है सर. इससे क्या आता है? कैल्शियम ठीक रहता है क्या? हेलो सर, इन लोग का जैसे गुंडे है ऐसे हम लोग का फन डे है. ऐसा करेगा ना तो फन होता है अंदर से. तेरी आजा आजा तू आजा तू तो आ जा. दिखा ठीक से फंडे सिखा. अंदर से फन बता. फंडे के फंडे. बाबा संडे हो या मंडे रोज देखो गुंडे. निर्मल श्वास फंडे. दिखा ठीक से स्टेप बाय स्टेप. तू दिखा. ये फिर क्या होता है इससे? क्या होता क्या? अरे ऊपर कौन है? इससे होता क्या भाई? बाहर फन. फन कैसे निकलता है? इधर आया यार. फन निकलता खारिश होती. क्या होता है? कैसे मतलब? ये करो. मेरे तो वो नहीं. मेरा फन निकला. एक बार माइक ले आओ यार, माइक तो दे दो. सब फन निकल गया. तो कैसे निकला फन बताओ? अभी आपने देखा नहीं ये सर ने कैसे निकाला फन? आपका आपस में निकलता कि दूसरे के साथ भी फन निकलता? नहीं, एक दूसरे से. एक दूसरे से. एक दूसरे का ही निकलता है. हाँ हाँ. आपका केस कोई और लग रहा है मेरे को. नहीं नहीं नहीं, सिंगल है. नहीं सर, दो तीन गर्लफ्रेंड. आपका फन तो मुझे पता नहीं निकलता नहीं निकलता. जीप में निकला, पेट से दर्द निकल रहा. आपका फन का तो मुझे पता नहीं. आपकी पैंट में से कपड़ा निकल गया, घुटना बाहर आ रहा है. नहीं सर, वो क्या मम्मी ने क्या बोला, किसकी नजर नहीं लगनी मंकी. मम्मी तो प्यार के चक्कर में कुछ भी बोल देती है सर. ये थोड़ी, ये बाजू में क्या लिखवाया हुआ आपने? ये सर डेट ऑफ बर्थ है. इससे फन निकलता है? नहीं नहीं, भूल जाता हूं ना डेट ऑफ बर्थ. भूल जाता. देखो डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ 21/8/1994. सिंस 1994. नहीं तो ये डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखवाया आपने? बस शौक था. फन ना, फन आया, फन आया. भाई फन किसको बोलते हैं आप? सब 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 एंजॉय एंजॉय एंजॉय. जैसे सिद्धू बाजी खड़ा करके उसको फन आता है वैसे मेरे को. यार तुम बोलना क्या चाहते हो? ये एक टाइम पे था प्रमोशन ऑफ गुंडे, नाउ इट हैज बिकम प्रमोशन ऑफ फंडे. हां फंडे हो गए सर. हम लोग रिलीज करेंगे हम लोग फंडे. नहीं नहीं, नहीं रिलीज करो. काफी रिलीज हो गया तुमसे. कंट्रोल कंट्रोल. ओके ओके सर, ये मेरे फ्रेंड का सवाल सर. सवाल सवाल नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा. पहले तो फंडे के बारे में समझा ना. बट सर, आपका सवाल क्या था सर? इतना तो डेमो दिया और क्या चाहिए. सर ने पूरा फंड निकल दिया मेरा. ओके निकाल दिया. बाबा ये तो एकदम तेरे जैसा साउंड करता है. एक मिनट, पहले इसका क्वेश्चन. क्वेश्चन उसने पूछना था. हाँ. आपने मुक्का मार के ना पूरा माहौल अलग ही बना दिया. सर मेरा क्वेश्चन माइक को नाक के पास लगा. अब पूछ. मैं हाँ, तू पूछना पूछना दिल से पूछ. अरे पूछ रे. सर आपकी आपकी इंडस्ट्री में राखी शीश कौन है? हाँ जी, इंडस्ट्री में राखी शीश कौन है? बेटा मैं ये गलतियां नहीं करता. भाई 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 भाई. तो अभी ये सवाल पूछ के क्या मिल गया आपको? एक्चुअली इनकी राखी सिस्टर राखी सावंत. फन निकला.
कुछ फन निकला? मेरे को लगा निकला फन कहीं से। फन तो निकल ही गया। भाई तेरे ना झुरझुरी होती होगी, उसको फन नहीं बोलते। झुरझुरी जो तुमने लंबी कल में रखी ना, किसी दिन इसी के वजन से गिरेगा, देखना इस तरह। तो फन निकालता ना ये। फन निकला ना, दाढ़ निकला है किसी ने ऐसे करके ना। क्या करते हैं आप दोनों? सर मैं 13th पे हूँ। हैं? 13th? 13 में? 13th में? यार 12 तक सुना था, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है। कौन से कॉलेज में आप यार? कुछ मुझे लगता आप किसी और प्लेनेट से आए हैं। ऐसे करो फन निकलता है। क्या कौन सी क्लास आप 13वीं में? आप कितनी में? ये सर मैं एसओई बीकॉम में हूँ सर। एसओई 14th। 14th? ये सर ये लड़की की वजह से फेल हो गया और मैं लड़की के साथ आगे निकल गया। भाई एक काम करो, अपना अपना फन अपने अंदर रखो, बाहर मत निकालो। ठीक है, शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। एक बार तो रुक, क्या है तू? ए नना, आपने ना ऐसे चूम चूम के मुंह तीखा कर लिया अपना। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ओहो, फन निकल गया, बम भी निकल गया। ये आपके बगल में कौन है? आप इनके साथ आई हैं? Yes. कैसे झेलती हैं आप इन दोनों को? एक्चुअली ये लोग मुझे झेलते हैं। ये लोग मुझे झेलते हैं। मतलब आप भी फन निकालती हैं? Sure. My friend sitting right there. कौन? The one in blue. आगरा से कितने लोग आए हैं? अच्छा, और कोई हमारे दोस्त जो बिना फन निकाले सवाल पूछने जाते हो? हाँ जी मैम। हाय कपिल सर। हेलो जी। हाय अर्जुन। हाय। हाय रणवीर। हाय। आई वांट टू सी योर ट्यूनिंग, इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट। ट्यूनिंग कैसे? मतलब तालमेल? तालमेल ट्यूनिंग? एज इन मैं देखना चाहती हूँ विक्रम को बाला बनते हुए और बाला को विक्रम बनते हुए। आप भी फन निकाल रही हैं अब? He'll do a line of Bala and I'll do a line of Vikram. आप बताइए better कौन है? ठीक है? ठीक है? बाबा बड़ा तू है, पहले तू जाएगा। इसकी नकल मैं अच्छी तरह से करता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप मुझे मारने की कोशिश करना। ये ओके। ये तेवर हमारे खून में है, तेरे भौंकने से कुछ नहीं। तो ये जो मुक्का होता है, ये विद थूक रोकते हैं कि विदाउट थूक भी होता है? एक्चुअली डायलॉग था, तेरे थूकने से कुछ नहीं होगा। बड़ा ग्रेवी वाला मुक्का रोकते हैं। ग्रेवी वाला मुक्का फोंकने से कुछ नहीं होगा? हाँ नहीं होगा भाई, मैंने आप कर दिया। मतलब ये आप ऐसे हैं जैसे उन्होंने कहा पिक्चर में? अच्छा, असलियत में नहीं थूकता इतना। और ये कैसे हैं? ये पिक्चर में एक डायलॉग है, ट्रेन पे हम खड़े हैं और विलन की तरफ जाते हैं तो रणवीर सिंह ऐसे आते हैं, आज जो कोयले से भरी ट्रेन यहां से ले गया, ट्रेन भी उसकी और कोयले का ये धंधा भी उसका। अरे वाह। ट्रेन तो ले जाओ, चलाओ कहाँ घर पे, पढ़नी चाहिए होती उसके लिए। मिस कर ली, व्हाट डू यू डू? TYBMS। सॉरी, TYBMS, थर्ड ईयर। TYBMS। BMS। ये नाम याद रखते रखते भूल जाओ मतलब। TYBMS। तो बाकी के ABC भी जोड़ देते साथ में, थोड़ी तो बची थी। IBFYBATIBMS ABCD क्या? नहीं, इन्होंने करेक्ट पढ़ा था। 14, 15, 16, 17, 18। अपनी उम्र के साथ साथ अपना स्टूडेंट का टैबू भी बता दो सब। शर्मा जी, आप यहाँ बातें कर रहे हो, मैं वहाँ बाजार में आपका वेट कर रही थी। तो तुम्हें पता थोड़ी देर पहले प्रियंका आई थी यहाँ पे, फाइव स्टार का बुफे लगाओ, लंगर कौन खाए? शुक्र कीजिए आपको लंगर खाने को तो मिलता है, वरना आपकी जो शक्ल है कोई बासी रोटी भी ना मारे। By the way, ये जो दो बड़े हैंडसम लड़के हैं, इनसे कुछ सीखिए। पता है ये दोनों प्रियंका से कितना प्यार करते हैं? हम तो आपसे
उन्होंने प्रियंका को चुन लिया तो what's that? We are there. I have two of them. Is there any exchange offer? तो क्या मैं क्या करूं अब तुम मेरी बीवी हो वो उनकी गर्लफ्रेंड है एक्चुअली फिल्म में तो फर्क मैं बताता हूं आपको फिल्मी फंडा इनको पटाने का आप रूठ जाओ ये अपने आप मनाने आ जाएंगे ये आदमी जो अपना बर्थडे नहीं मनाता वो आपको लगता है वो मुझे खाक मनाने आ चलिए ठीक है राइट सिटी सर बर्थडे बर्थडे का तो पता नहीं लेकिन चलिए देखिए हम गुंडे हैं तो हम क्या करते हैं अपनी गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं गुंडाई का इस्तेमाल करते हैं हम आपको किडनैप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली छुड़ाने तो आ ही जाएंगे ना ये नहीं कभी होती नहीं किडनैप ये मैं आपको बताता हूँ मैं तो खुद इसको 3 बार छोड़ के आया हूँ मेले में हम पर ऐसे कैसे किडनैप कर रहे बाबा हो गई किडनैप ये नहीं होती भाई मैं 3 बार मेले में छोड़ के आया हूँ वहां पे भी घूमनी हुई वहां अनाउंसमेंट करने वाले होते ना जो वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि देखिए किसी की छोटी सी औरत गुम हो गई है स्टेज पे रखेंगे नजर नहीं आएगी इसलिए हमने ऊंट पे बिठाया हुआ है तो जो होट है इनके और ऊंट के आपस में काफी मिलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए हमने ऊंट के ऊपर बिठाया हुआ है और जिसके आईब्रो थ्रेडिंग हुई वो ऊंट है देखिए ऐसा मत कीजिए हमने किडनैप किया प्यार से अब कपिल कपिल क्या है तेरी बीवी को उठा लिया है अभी 10 लाख रुपए चाहिए बीवी मेरी उठाई मुझे 2 पैसे एक काम करो 5,000 मुझे दो बीवी तुम रख लो अरे मेरा मतलब है ऐसे कोई थोड़ी नहीं होता भाई साहब देखिए उसकी हाइट भी देखिए 4 फुट की बीवी 20 लाख मांग रहे हैं आप ठीक ठीक लगा लो अच्छा अगर आपने पैसे नहीं दिया तो हम इसे बहुत दूर ले जाएंगे इसको कहीं भी छोड़ा ये सूंघ के वापस आ ही जाती है पिछली बार मैं इसको हरिद्वार छोड़ के आया था ये पानी के रास्ते जुहू से निकली बाद में शर्मा जी अरे तुम तो किडनैप हुई थी आपको आने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही दो हैंडसम लड़के हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से रखा है तो आपको एक्चुअली आने की जरूरत ही नहीं है खबरदार इधर घूम के कहीं नहीं जाना इतनी छोटी बीवी मुझे दोबारा कहां से मिलेगी भाजी क्योंकि कल को बड़ी मिल गई तो फिर मुसीबत जितनी छोटी उतनी अच्छी रहती है इधर ना चुप करके किडनैप हो रही शर्म नहीं आती यहां आके लेके जाइए बकायदा हां अपना बर्थडे नहीं मनाते बर्थडे क्यों मनाओ मेरे जैसे लोग बर्थडे नहीं मनाते हम लोग पैदा नहीं हम असेंबल हुए थे चलो तो आगे बैठो तो पास नहीं खड़े होना कोई भी आए ना उनसे बड़ा फ्रैंक होती गोविंदा देखो कितने सीनियर है हेलो जी जी थोड़ा फ्रैंक कम हुआ अगर मेरे मेहमानों के साथ और आप क्या कर रहे थे बाकी लड़कियों के साथ तो पीसी परिणीति लाइन प्लीज बताओ ऑल माय रियल कजन गर्लफ्रेंड्स ओके तू अब तो बकरी भी सो गई तू भी सो जाके जा शर्मा जी आप मेरी बकरी को उफ बिचारी मेरी बकरी मेरे पापा ने दी और की क्या हालत की आपने पापा ने एक नहीं 2 बकरियां दी हैं शर्मा जी मैं आपके बात ही रहने वाली जा रही हूँ मैं उफ मैं भी चली जाने दो भाई जाने दो दोबारा वापस ना आ जाए कहीं 2 बकरियां दी हैं एक तो डिस्टर्बेंस बड़ी यहाँ पे ए पलक सुन आज सारी औरतों ने मेरा इंटरव्यू खराब किया और अब चौथी औरत तू आ गई चुपचाप निकल ले यहां से मैं तेरे को बोल रहा हूं औरत हाँ कहाँ पर है औरत आई डोंट सी एनी औरत ओ एक मिनट कहीं आप गलती से मुझे औरत तो नहीं कह रहे ना शर्मा जी व्हाट आर यू ही डजंट नो मैं लड़की हूँ आई एम अ गर्ल 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 नहीं गर्ल जी आर एल गर्ल आई भी होता है जी आई आर एल गर्ल होता है जी आर एल से गर्ल की आवाज आ जाती है तो आई ठूसने की क्या जरूरत है
तू लड़की है ना, आय ना सिर्फ आपका अहम है, अपने जीवन से आय हटा दीजिए। तू तू औरत नहीं, लड़की है। आई एम अ गर्ल। तू औरत है, कितनी पुरानी औरत, तेरे पेड़ निकल रहे। तू कह रही मैं लड़की हूँ। मैं एक बार जरा इनसे बात कर लूं। मुझे पता है कि ये दोनों ना गुंडे हैं। हाँ, यू आर गुंडा वन, यू आर गुंडा टू। आई रियली होप यू आर हैविंग अ गुंडे। यू डिडंट लाइक इट? गुड डे, पलक गुड डे होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, आई नो इट्स अ बैड जोक, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊं। क्या? जोक अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान के हालात अच्छे या बुरे होते हैं। क्या करने आई हो? डोंट बी मीन, कपल विदाउट एन आई। क्या कैबिनेट आंसर पढ़ के क्यों घूम रही हो? आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है? लाइक इतिहास, देखिए इतिहास गवाह है कि जहां पर गुंडे होते हैं वहां पे कैबरे डांसर का होना बहुत जरूरी है। एनीवेज, एक मिनट, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ना इस फिल्म के अंदर, मैंने सुना है, ऐसा मुझे पता चला है कि आप, या एक्चुअली बेटर होगा आप आगे आ जाइए ना, नहीं छड़ी आप रख सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आप दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं। करेक्ट। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मतलब आप लोग दो हैं और अगर एक ही लड़की से प्यार करना चाहते भी हैं तो वो लड़की भी जरा दो टाइप की होनी चाहिए ना, लाइक डबल। मतलब आप मेरा इशारा समझ रहे हैं ना? उनका तेरा इशारा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तू डबल है नहीं, तू ट्रिपल है। ऐसे मत बात कीजिए ना। नहीं नहीं शर्मा जी, देखो पलक, प्लीज टॉक टू द हैंड। शर्मा जी प्लीज, कोई इशारा समझे ना समझे, एक इंसान है जो इशारा नहीं समझता है वो है आप, क्योंकि ये एक इशारा है। पलक मेरी बात सुन। एक मिनट ना, एक क्या चाहती है पलक तू? मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैंने ना, क्योंकि आप लोग आने वाले थे तो मैंने आपके लिए कुछ शेर भी लिखे हैं। शेर हर के लिए शेर लिखती है। अर्ज कर सकती हूँ? करो करो इरशाद। रणवीर जी, ये शेर मैंने आपके लिए लिखा है। ओके, ठोको। ऐसे माहौल में रह रह के मेरा दम है घुट गया। अच्छा था ना? और अर्जुन के लिए सड़काओ। मैं हूं आपकी लल्ली, हाय आप है मेरे लल्ला। अच्छा, मैं हूं आपकी लल्ली और तुम हो पूरा मोहल्ला। सॉरी पलक। अर्ज कंटिन्यू करती हूँ। इंटरप्शन हो गई। मैं हूँ आपकी लल्ली, आप हैं मेरे लल्ला। कैसा लगा? तू कुछ भी कर ले, ये मेरा फेदर। A feather in your cap. Birds of a feather together. फैदर ना पक्षियों के होते, गैंडों के कभी फैदर देखे? पलक देख, तू कुछ भी कर ले, ये तेरे से इंप्रेस नहीं होने वाला। ये प्रियंका के पीछे पड़े हुए, समझ में आया? प्रियंका देखी, छोटी सी फिश लगती, तू वेल फिश। तेरे से थोड़ी से इंप्रेस होंगे ये? क्यों नहीं होंगे, लेकिन वो पलक फिल्म में कितना अच्छा कैबरे करती है वो। शर्मा जी, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि प्रियंका अगर इतना अच्छा कैबरे करती है, तो मेरे ख्याल से आप दोनों को एक बार मुझे मौका देना चाहिए। मतलब आप दोनों मेरे साथ कैबरे करेंगे। आपको एक राज की बात बताएं? हाँ बताइए। पहले मौका दे दो, फिर धोखा दे देना। राज की बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा से अच्छा कैबरे तो रणवीर सिंह कर। ओके, ठीक है, तो पलक और रणवीर कैबरे करेंगे और अर्जुन डिसाइड करेंगे और मैं रेस्ट करूंगा। सिद्धू पाजी और मैं जज करेंगे। मैं सिद्धू पाजी के पास जाता हूं। वी विल डू जजिंग। अरे कम कम, अस्सलाम इश्कुम पे।
अर्जुन कपूर के लिए जोरदार तालियां। Fucking awesome, man. रणवीर, लव यू नवजोत। रणवीर, रणवीर और अर्जुन, जितनी केमिस्ट्री आप लोगों की, जितनी पागलपंती आपकी यहाँ पे नजर आ रही है, मैं सोचता हूँ बाजी यहाँ पे एक घंटे में आके इतना धमाल हो रहा है, सोचो फिल्म में इन्होंने क्या क्या किया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, जो कि 14 फेब को रिलीज हो रही है। गुंडे, एक बार जोरदार तालियां गुंडे की स्टार कास्ट के लिए। और थैंक यू सो मच मेरे भाई, ऐसे ही फिल्में बनाते रहा करो और आते रहा करो। थैंक यू भाई, क्योंकि आधा शो तो हमने सोच रखा, आधा आप ही लोगों ने बनाना होता है। सो इसी तरीके आप लोग अपने घरों में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरतों की इज्जत करिए, जानवरों से प्यार करें और देखते रहे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन कलर। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.